आउज़बल्न शैतवानरजीम बसमिल्रन रहीम्सल नाजरन पी टी वी से रबी अलवल की खसूसी नशरियात रहमतमीन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है मौत नाजीन इस नशरियात में हम सीरत मुतफ़ा सल् वम के मुख्तलिफ गोशों पर गुफग करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सरकार दोआलम सल्हलम की हयात तय्यबा से कुछ सीख कर जाएँ मौजूद होते हैं हमारी रहनुमाई के लिए वतन अजीज़ पाकिस्तान के मशहूर वरूफ माए कराम और साथ साथ बारगाह रिसालत में गुरहाय अकीदत पेश करने के लिए मौजूद होते हैं सना खान रसूल इस नशरियात में नौजवान बच्चे और बच्चियाँ आपके सामने हमारे सामने अपने फन खिताबत का मुजाहरा करते हैं तकार करते हैं खास मौजू हम उन्हें देते हैं वो भी आप इस नशरियात में देख सकेंगे मतनाजिन मतलब आज के मौजू से पहले उस मौजू से मुतल मैं तमहिदन गुफ्तू करना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्ला वसम ने इर्शाद फरमाया कि सबसे कामिल मोमिन वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है और तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो औरतों के लिए या औरतों के हक हाँ में अच्छा है हज़र पनू अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में अपने अमल से अपने कौल से हमें हिदायत दी हमें हुक्म दिया कि हमें औरतों का उनका मकाम देना है सरकार तो वसल्लम की आमद से पहले ख़वातीन को और औरतों को वो हकूक़ हासिल नहीं थे बल्कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा निचले दर्जे की हस्तियाँ समझा जाता था लेकिन हज़ूर पनूर सल्ला वसल्म ने हज़रत खदीजतकबरा हज़रत फातमत जहरा हज़रत आयशा सिद्दीक रदी अल्लाह तहा की सूरत में ऐसी हस्तियाँ हमारे सामने प्रजेंट की जिससे औरतों के मकाम को बुलंदी और अजमत अता हुई सरकार सल्ला वसलम के इर्शादात का मफहूम है कि माँ के कदमों तले जन्नत है ये औरत का मकाम बुलंद करने वाली बात है आप अपनी प्यारी बेटी हजरत फातमत जहरा की जिस तरह से तकरीम किया करते उनसे जितनी शफकत और मोहब्बत का इज़हार करते आपके अमल से ये साबित होता है कि आपने औरतों को व बिलखसूस बेटियों को कितना आला मकाम अता फ़रमाया आप अलैहि वसल्लम ने बेटियों की अच्छी परवरिश करने वालों को जन्नत की बशारत दी आप सल्ला व्म ने जिस तरह से उस माशरे में जहाँ औरतों को जिंदा या बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था आपने अजमत बयान की कि खुवातन का एहतराम करना है उन्हें माँ बनाया उन्हें हकीकी बेटी बनाया और बताया कि तुम्हारी जोज़ा भी तुम्हारे लिए कितनी अहम है और बाज़ ऐसी रिवायात है जो मलमा कराम से भी सुनेंगे कि जिसमें जोजा से इस तरह से गुफ्तू करना इस तरह से पेश आना इस तरह से उसके साथ बर्ताव करना कि वो भी इबादत में शामिल हैं आज हम जो मौजू आपके सामने लेकर आए हैं वह है सरकार दोम सल्लम की सीरत और उसमें औरत का मकाम यानी आपली वम की तलीमत औरतों के और हकूक़ ये आज का हमारा मौजू है मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूम मारूफुलमा कर मेरे आपके हम सब के पसंदीदा बहुत ही मोहतरम हजरत लामा मुफ्ती इस मदरी साहब असल बहुत शुक्रिया आप तशीफ लाए और इनके साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफतु करते हैं मदल गुफ्तू करते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है यकीन डॉक्टर सुल शफी साहब असल बहुत बहुत शुक्रिया आप भी तशीफ लाए इनके साथ मौजूद है नौजवान आलि दीन बहुत ही प्यारे अंदाज में बात करते हैं जनाब मदनी रज़ा साहब मुफ्ती मदनी रज़ा साहब आपको भी अस्सलाम आप भी तशीफ लाए और इनके साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही खुश उलहान शनाखा इर्शाद अंजुम कुरेशी साहब आपको भी, अस्सलाम भी आप सलाम भी चारों मज्ज़ में हमारा ने ग्रामी का शुक्रिया कि आप रहमत आम कीशरिया पी टी वी की दावत पर तशरीफ़ लाए अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइए कि चीदा चीदा में मैंने कुछ जुमले अदा किए कुछ तफसील से बताइए कि सरकार दो वसम की आमद से पहले यह कबल इस्लाम माशरे में औरतों का आ, क्या मकाम था या क्या हालत थी उस वक्त बसमिशरि सदरी बहुत शुक्रिया शबीर भाई इस मौज़ को अहम तरीन आपके ने इस एतबार से भी बना दिया है कि आज के दौर में जहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ साजिशें हैं मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं वहीं पर ये बात हर किसी को बाबर कराई जा रही है बताई जा रही है कि इस्लाम जो है या मुसलमान जो हैं वो औरतों को हक नहीं देते इसी वजह से औरतों को अपने हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करना चाहिए या यूं कहिए कि मर्द औरतों के हकूक़ अदा नहीं करते तो लिहाजा इस वजह से औरतें चूँकि दबी हुई हैं पिसी हुई हैं लिहाजा उनको अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़्यादा और हाँ। ज़रूरी है तो इस अतबार से मैं समझता हूँ कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु सल वसल्लम का ये पहलू और निजामे इस्लाम का ये मामला भी लोगों तक पहुँचना चाहिए कि इस्लाम ने औरतों के लिए क्या हकूक़ बयान फरमाए हैं अच्छा अब ये अलग बात है कि एक मर्द अगर औरत का कोई हक़ अदा नहीं कर रहा तो ये उसका इनफ़रादी पहलू तो हो सकता है मगर इजमाई इस्लाम का नज़म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी को इस तरीक़े से दबा दिया जाए या ऐसी हक़ तलफ़ी की जाए कि वह माशे के अंदर वो इकाई बिल्कुल पिस कर रह जाए और उसकी कोई दाद रसी करने वाला भी ना हो हाँ। तो ये एक अलग पहलू है और जो इस्लाम ने हक़ दिए वो एक अलग पहलू है तो हम यू चूंकि यकीन सीरत रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसम की रोशी में बात करेंगे तो आप देखिए कि नबी मुकरम अली सात वसलाम की दुनिया में तशीफ़ आवरी से कबल या दावत इस्लाम से कबल औरतों के साथ अगर हम ये देखें तो घरों में उनके साथ रवैया क्या था यानी एक औरत इस्लाम ने कहा कि वो एक मर्द के निकाह के अंदर होगी पहले इस तरह का सिलसिला नहीं होता था कसीर अफराद उसे एक ही वक्त के अंदर निकाह कर सकते थे और किया जा रहा होता था नंबर एक नंबर दो ये कि औरत को वरासत में हक मिलने का तस्वूर ही नहीं था तीसरा ये कि अगर उसके शोहर का इंतकाल हो जाए औरत अगर बेवा हो जाए तो फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन कोई नहीं होता था बल्कि वो उसी मर्द के साथ बादत जला दी जाती थी दफना दी जाती थी या किसी कमरे में बंद कर दिया जाता था और अगर वो जिंदा एक साल के बाद निकलती भी थी तो उसकी कैफियत यह होती थी कि बकरी की जो मैंग हैं वह अपने सर पे डालती हुई निकलती थी कि मैं ज़िंदा बाहर क्यों निकल आई हूँ और इसी तरीके से औरत की पैदाइश को या बच्ची की पैदाइश को ऐसा अब तस्वुर किया जाता था कि स्वतुल नाहल में अल्लाह तबार का वतान फरमाया कि उनकी कैफियत यह होती थी कि इसको ख़बर दी जाती थी कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है तो उसके चेहरे का रंग मत हो जाता था और जिनको जिंदा दरगोर किया जाता था आ, अम्मा पारे के अंदर क्यों कतल कर दिया गया था यानी सवाल किया जाएगा कि मेरा जुर्म क्या था तो यूं आप ये देखिए कि बच्चियों के अहबार से हो बहनों के एतबार से हो बेटियों के अतबार से हो माँ के अहबार से या किसी भी किस्म की वहाँ पे औरत है जो रिश्तों के एतबार से किसी भी अतबार से उसको इज्जत देना हक़ देना ही कोई तस्वर वहाँ पे मौजूद नहीं होता था नहीं। जब इस्लाम की दावत आई है मेरे प्यारे आका आकल वसल्लम तशीफ हैं तो नबी मुकरम वसल्लम पर नाजिल होने वाले कलाम में अल्ला तबारका ने पूरी एक सूरत सूरत निसा, औरतों के नाम पर बयान कर इसमें अंदाजा हुआ कि औरतों का हक कितना ज्यादा है और उसकी जो पहली आयत मबारक है जब खुतबा दिया जाता है निकाह का आयत मुबारक पड़ी जाती है याबकुलायतारी जाती है हैं दुल्हन भी सुन रही होती है घर वाले भी सुन रहे होते हैं तुम्हें एक ही जान से पैदा किया और फिर कसिर मर्द बना दी कसी औरतें बना दी तो आप देखिए जहाँ मर्दों की बात की जाएगी वहाँ पे खुवान का जिक्र भी किया जाएगा दूसरा मकाम आप देख लीजिए मैं हुना लिबास माम तो लिबासन यानी मर्द औरतों के लिए और औरतें मर्दों के लिए मिसल लिबास हैं अब लिबास क्या करता है मेरे आपके जिसम के छुपाता है सर्दी गर्मी से महफूद रखता है और लिबास जो है वो एक जीनत और जो है वो इज़्ज़त का एक जो है मामला है तो इसीलिए मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए एक जीनत के अहबार से भी इज्जत के अतबार से भी है इसी तरीके से आप ये देखिए कि जब निकाह का मामला बयान फरमाया गया तो अल्लाह तबारा का ने सूरह रूम में फरमाया कि रहमा फरमाया कि जो निकाह का है ना

चार माह दस दिन तक मुकैद करके रखा मुख्तलिफ जो इद्दत की सूरत है उस यानी ज्यादा से ज्यादा दौरानिया ये रखा अगर खातून के बच्चे की विलादत ना हो तो ये, ये रखा गया इसी तरीके से तलाक का हक मर्द के पास है तो औरत को खुला का हक भी दिया गया हाँ ये कहा जाता है भाई इक्वल नहीं है सारा मामला बहुत सारी चीज़ों में इक्वल आपको मामला दिया गया अगर निभा नहीं हो रहा और शोर तलाक खुला का आपके पास रास्ता मौजूद है तो यूँ आप ही देखिए कि बहुत सारे मामला में बहुत सारे मकाम में अल्लाह तबार के वतान ने मर्दों को कुछ चीज़ों का पाबंद किया और कुछ चीजों का औरतों को भी पाबंद फरमाया गया क्या? एक बात मैं सिर्फ अर्ज करूँ यहाँ पे कि औरतों की जो उस वक्त की हैसियत है यानी इस्लाम से कबल और इस्लाम आने के बाद हजरत असम उमै सदी अल्लाह तहा अपने शोहर हजरत जाफ़र रदी अल्लाह तनों के साथ जो है गई है हफ् की तरफ जब वहां से वापस आई है तो आकर खातिन से पूछा कि औरतों के लिए कोई अहकाम आता है तो उन्होंने कहा नहीं औरतों के लिए तो कोई अहकाम नहीं है मर्दों के लिए हकाम आते हैं तो ये हाजिरी नबी मुकरम अली सात वसलाम की बारगाह में चूंकि हजरत अली के भाई हजरत जाफर तो धारे उनकी जोजे तो नबी पाक अली सात वसलाम के घराने का ताल्लुक कहा कि हजूर सारे अहकाम मर्दों के लिए औरतों के लिए कुछ है ही नहीं तो जब ये बात की अल्लाह तबारा का वाल ने इन सहाबी रजी अल्लाह तक वो इकराम फरमाया अल्लाह तला ने

कि अल्लाह तबारक वतन ने जिम्मेदारी ज़्यादा मर्द के ऊपर डाली है औरतों पर जिम्मेदारी कम डाली है अगर कोई मुसलमान किसी औरत का हक अदा नहीं, नहीं कर, कर रहा तो उसके इनफरादी अमल होगा इस्लाम हुक्म यह देता है कि औरतों को उनके हकूक दे दिए अच्छा डॉक्टर तो साहब ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्ला फरमाया कि नेक और साल औरतें दुनिया का बेहतरीन सामान है इसमें ज़रा वजात कीजिए कि इस जुमले का या सरकार की इस हदीस का इस रिवायत का मतलब मफूम क्या है और बसमल रन रिम तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेशुमार दुरूद और सलाम बेशुमारदलाम सदरसिली ख़ात नबीन सल्ही वसलम का औरतों के हुकूक के हवाले से मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू इरशाद फरमाई और जो सवाल आपका ख़ास शरीक हयात के हवाले से हैं तो मैं इस हवाले से पहली बात तो ये अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह तबारक तआला ने जब ये इरशाद फरमाया कि वलकत कर न बनी आदम कि हमने बनी आदम को इकराम अता किया सही। तो बनी आदम आदमरा मर्द भी हैं औरतें भी हैं कोई तफरीक अल्लाह तबारा ने अपने कलाम में और नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहदी से मुबारक में नहीं रखी खुवान या मर्दों के हवाले से सही। जहाँ जहाँ मुमिन मर्दों का जिक्र है वहीं मुमिनत का भी जिक्र है और दोनों के अमाल अमाल साल का जिक्र किया गया है ठीक ये खास आ, जो इरशाद अल्लाह के रसूल सल्ला ने फरमाया कि खैर मत दुनिया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मता नेक औरत है मेरा तो सालेहा तो ये बड़ा अहम अल्लाह के नबी सल्हलम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत और और को जो तख्लीक किया है वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत भी हैं और एक दूसरे की तकनील का बास भी हैं सही जो नज़म इंसानी है वो मर्द और, और औरत के बग़ैर नहीं चल सकता ठीक है ये अफजाइश नस्ल का भी जरिया है और तहजीब व तमदन के तहफ की बका भी इसी रिश्ते के अंदर मुजबर है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान के नेक औरत क्योंकि एक नेक औरत जो है मेरा तो साल इंसान के ईमान की तकमील का सबब भी बनती है उसकी निगाहों की हिफाजत का जरिया भी बनती है उसकी तस्कीन का तस्कीन का سبب बनती है जिस तरह कुरान करीम ने कहा कि लितास्कुनू इलैहा कि इससे तस्कीन हासिल हो और उसकी आने वाली, वाली उसकी इज्जत का भी बाइस बनती है उसकी इज्जत इकराम का वाइस बनती है उसके लिए अमानतदार की हैसियत रखती वाल। वाल। है और नस्ले इंसानी जो आने वाली नस्ले हैं उनकी تعلیم تربیت और एक مثالی معاشرے की जो تشکیل है वो इसी एक नेक औरत पर منحصر ہے۔ क्या बात तो यही वजह है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के हवाले से इशाद फरमाया तो आपने फरमाया कि औरतों से जब निकाह करो तो चार चीजें आम तौर पर देखी जाती हैं ठीक है कि दौलत शहरत इज्जत और दीनदारी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम औरत की दीनदारी को तरजीह दो जब सिलेक्शन का वक्त आए तो सिलेक्शन का वक्त आए क्योंकि सारी चीजें ऐसी हैं कि जो लोगों के लिए बायस तरजीह होती हैं अब कोई किसी चीज़ को तरजीह देता है तो कोई किसी बात को तरजीह देता है लेकिन सबसे बेहतर और सबसे ऊपर जो चीज़ है वो दीन है यानी एक औरत का बाकिरदार होना दीनदार होना और तालीम याफ़्ता होना ये आने वाली नस्लों के लिए सबसे ज़्यादा अहम है तो ना सिर्फ ये कि जो आयली ज़िंदगी है वो खुशगवार होती है बल्कि आने वाली नसलों के लिए भी तरबियत का सामान मुहैया होता है बहुत खूब ज़बरदस्त अच्छा मदन रजा साहब ये बताइए कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इशात फरमाया कि मर्द औरतों पर हाकिम है ये हुकूमत करने का सिलसिला जो है या हाकिम होने का या बरतरी का इसकी तरह तशरी फरमाइए क्योंकि इस रिवायत की फिर तशरी भी हर कोई अपने एतबार से करता है यानी खवतिन अपने अतबार से करती हैं तो उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है मर्द करते हैं तो फिर वो अपने आप को इतना अपर हैंड करार देते हैं कि पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है तो इसकी तशरी क्या है ने क्या लिखा और मिसालों से कुछ समझाएं कि किस तरह से मर्द औरतों पर हागें बसमिल्ल रही देखें नबी करीम की सलात की तलीमत कुरान मजीद के अहकाम इसको समझने के लिए अगर कोई मुनफाना नज़र से इसका मुला करेगा तो इसमें कोई ऐसा इबहम पैदा नहीं होता कि इंसान के जहन में बदगुमानी पैदा हो यागेटिव थाट्स हैं कुरने मजीद में अल्लाह तबारक व तौह ने जरशाद फरमाया किरजाल कौामसा के मर्द जो है औरतों पर हाकिम हैं और साथ में आगे इसकी वजह भी जिक्र की है और फिर मैं आगे इनशा इसको मजीद डिटेल में बयान करता हूँ अल्लाह ताली ने फरमाया कि बिमा फ़त दल्लाबाद कि ये जो फ़जीलत और मर्दों को मिली है ये जो मर्द हाकम मुकरर किए गए हैं इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तौने इनमें से बाज को बास पर फजीलत दी है अच्छा एक वजह ये जिक्र की और यहाँ पर आप उसलूब देखें अगर आप इस इसलूब को ही देखेंगे ना तो आपको बात बहुत अच्छे अंदाज से समझ में आएगी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके बाज को बाज पर फजीलत दी है अच्छा इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से जिसम के हिस्से सारे एक जिसम से ही जुड़े हुए होते हैं और इनमें आपस में कोई गैरियत नहीं होती हाथ पर पेशानी को फजीलत हासिल है पैरों पर पेशानी को फजीलत हासिल है तो ये हैं एक ही जिसम का हिस्सा तो अल्लाह तबारक वाली ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि मर्द और 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 औरत के दरमियान कोई गैरीयत नहीं है अच्छा। लेकिन जैसे जिसम के बाद, बाद फजीलत है ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं लेकिन फिर भी फजीलत रखते हैं इसी तरीके से मर्द और और औरत के दरमियान कोई गैरियत नहीं है जैसे कि अभी जिक्र भी किया गया कि मर्द और और औरत एक दूसरे का लिबास है सही। तो लिबास हैं लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक वाल ने अपने कर्म से अपने फजल से जो है वो बास को बास पर फजीलत दी एक तो वजह ये हो गई ठीक है दूसरी अल्लाह तरमाई कि वह कि दूसरी वजह यह है कि मर्द जो है वो अपने माल से अपनी मर्जी से हाँ अपने इख्तियार से औरतों पर खर्च करता है अच्छा तो ये एक जरूर, एक जरूर बात बयान की गई दूसरा अगर हम इसकी अगली तोजीह को देखें तो आप देखें हमारे यहाँ पर जो खानदान है ना ये सिर्फ रस्मों का नाम नहीं है बल्कि हमारा खानदान जो है वो एक सिस्टम है एक निज़ाम है सही और कोई भी निज़ाम हो तो उस निज़ाम को चलाने के लिए कोई ना कोई हाकिम हमें चाहिए होता है मुल्क का सदर जो है वो सब पर तमाम जो अकवाम होती है फजीलत रखता है किसी को इस पर एतराज इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है वो सारे सिस्टम को चला रहा होता है और वो अपनी कौम के ख्याल रखने का पाबंद होता है लीडरशिप है फैसला साजी करने का है, ये सारी, सारी चीजें उसके पास होती है अगर ये ना किया जाए किसी एक को सिस्टम के अंदर मुक्र ना किया जाए कि भाई सारे फैसलों का इख्तार हो यह होगा तो निज़ाम तबाह हो जाएगा आयली जिंदगी के अंदर ये चूंकि आयली जिंदगी हमारे यहाँ पे सिर्फ रसूात की अदायगी का नाम नहीं है सिर्फ नफसानी ख्वाहिशा की तकमील का नाम नहीं है बल्कि ये एक सिस्टम है सही जिस सिस्टम के तहत आगे नस्लों को परवान चढ़ना है तो वहां पर अगर किसी को फोकियत दी है तो अल्लाह तबारक वाल ने मर्द को अपने फजल से मुकर कर दिया कि आखिर में इसके अहकाम जो है वो चलेंगे हाँ। अच्छा यहाँ पर यह हाकिम का मतलब ये नहीं है कि अपनी बदमाशियाँ दिखाता रहे हाँ। यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला ने मकाम पर मर्द को ये कि अगर तुम हाकिम बनाए गए हो तो फिर अपनी तरीके से पेश आसिबिली हाँ। है, है।, ये, ये भी है।, ये भी है। हाँ। और इस रिस्पॉसिबिलिटी का सरकार सलाम ने कितने अच्छे अंदाज से बयान फरमाया कि मोमिन मर्द कभी मोमिना औरत को अपने आप से जुदा नहीं करता अगर उसकी एक बात बुरी लगती है तो दूसरी अच्छी बात की तरफ तवज्जो करता है अब आप ज़रा गौर करें कि सामने औरत अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा रवैया अख्तियार कर रही है जो मर्द को नागवार गुजर रहा है तब भी इस हाकिम को हुक्म यह है कि तुमने इसकी सिर्फ बुराइयों को नहीं देखना इसकी अच्छाइयों को भी देखो वो तुम्हारे घर को संभाल रही है अगर वो घर को ना संभाले तो बाहर के काम तुम नहीं कर सकते हाँ। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पर आप जैसे दूसरी वजह अल्लाह तबारक वाली ने बयान फरमाई कि मर्द अपनी मर्जी से माल खर्च करता है अब आप थोड़ी देर के लिए तस्वूर करें उन खातन का कि जो घर से बाहर निकल मजबूरी की बुनियाद पर जॉब कर रही होती हैं वो कितनी परेशानियों से गुजरती हुई जाती हैं और अगर उनको कोई कहे ना कि हम आपकी जो ना वो खर्चे की जिम्मेदारी उठा लेंगे आप जॉब ना करें तो वो पहली फुर्सत में तैयार हो जाएगी हाँ। इसका मतलब ये है कि औरत की फितरत ये है कि वो घर में बैठे घर के जो मामलाते हैं उसको संभाले और नस्लों को परवान चढ़ाने के सिलसिले में जो तरबियत का किरदार है ना वो औरत अदा कर है। बहुत और मर्द को अल्लाह तबारक वाली ने तबीयत अता फरमाई कि वो बाहर जाए बाहर की मुश्किल को बर्दाश्त करे परेशानियों को बर्दाश्त करे और तमाम तकालीफ उठाने के बाद माल कमाए और फिर वो माल अपनी मर्जी से जो है वो अपने बीवी बच्चों पर खर्च करे तो ये एक फितरत का भी तकाजा है कि अल्लाह तबारक वाली ने मर्द को जिम्मेदार बनाया दूसरी बात यहाँ पर अल्लाह तबारक वाली ने साथ में ये भी बयान फरमाई कि जब घर के अंदर कोई फैसला करना हो तो वो फैसला ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द अपनी हाकमियत झाड़ कर कहे कि मैं ही फैसला करूँ हाँ। बल्कि एक मकाम पर अल्लाह तबारा का तारा ने फरमाया किदि मिन हम व हाँ। कि तुम अगर कोई बच्चों के मामले में फैसला करना है या घर के और कोई मामले में फैसला करना है तो दोनों की रजामंदी से हो और उसके साथ जो है वो मर्द को मुशावरत करे अब आप जरा गौर करें कि एक औरत को यह अहमियत दी गई है घर के अंदर कि एक हाकिम जो है वो अपने फैसले करने के सिलसिले में औरत से मुशावरत करेगा उससे मशवरा लेगा इसका मतलब यह है कि औरतों को बेवकूफ़ नहीं करार दिया हाँ। गया बल्कि बाज़त ऐसा होता है कि औरतों की तरफ से आने वाले मशवरे इतने ज़बरदस्त होते हैं कि वो बाज़त मर्द की तरफ उस मर्द की तवज् उस तरफ नहीं जाती बहुत और तो यहाँ पर ये यह जो फरमाया गया ये फितरत के तकाज़े के मुताबिक है अल्लाह तबारक वाली के फजल से है औरतों को इसमें हकीर नहीं कहा गया बल्कि यहाँ पर मर्द की जो जिम्मेदारी है उसको बयान किया गया कि वह ज़िम्मेदारी पूरी करे आखिर में एक जुमला में ये कहूँगा कि सरकार अली सलात वाम का ये एक रिवायत मनकूल है कि सैदुल कौमी खादिम हुआ बाज लोगों ने इसको सरकार इस्लाम की तरफ मनसूब किया ने बुजुर्गों की तरफ मनसूब किया इसका खुलासा ये है कि कौम का हाकिम जो है ना उनका खादिम होता है हाँ। मतलब ये है उसको कौम की खिदमत करनी है हाँ। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आप देख लें कि मर्द को अपने बीवी बच्चों की खिदमत करनी है उनका ख्याल करना है अच्छे हुसने सलूक के साथ उनको पैरवी करनी है तब वो अच्छा हाकम होगा यानी अगर हाकिम कहा भी है औरतों पर मर्द को तो साथ साथ उसका मतलब खादिम का भी निकलता है जी ये उनकी खिदमत भी करेगा उनसे मोहब्बत भी करेगा उनको अहमियत भी देगा उनसे मुशावरत भी करेगा वो कितना प्यारा दिन है हमारा और सरकार की तलीमत कितनी खूबसूरत हैं औरतों के बारे में कि सरकार ने फरमाया औरतों के मामले में अल्लाह से डरा करो इससे ज़्यादा फिर औरतों के हकूक़ की बात और कौन कर सकता है ये गुफ्तु जारी रहेगी यही खूबसूरत गुफ्तु मालूमी गुफ्तू इसका तसलसल बरकरार रहेगा चलते हैं कलाम की जानब मौजूद है हमारे साथ इर्शाद अंजुम कुरैशी साहब बारगा रिसालत में गुल्हे अकीदत पेश करेंगे या गया सबसे पहले मसीयत के अनवार से नक्ष con ते मकान में जलाया गया

बसाई गई उजिल के हाथों से तो सर लुटाया शामदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आप देख रहे हैं पी टी वी से रबी अल्वल की खसूसी नशरियात रमत आलमीन चलते हैं उस सेगमेंट की जानब जिसमें नौजवान हमारे मुकर्रेन आपके सामने फ़न तकरीर का के जौहर दिखाते हैं मुजाहरा करते हैं खूबसूरत तकार फरमाते हैं उन्हें एक शेर का मसरा देते हैं और उस पर वो गुफ्तू करते हैं जो सीरत मुस्तफ़ा सल्ला वसल्म से मनसूब ही होती है आज मुकाबले तकरीर के हवाले से हमने प्रोफेसर इकबाल अजीम के मशहूर मशहूर ज़माना नातिया कलाम का एक मिस्रा है उसको मंतखब किया है काबा है मेरे दिल में मदीना है नज़र में और मौजूद है हमारे साथ तीन बहुत ही प्यारे मकर महमद बिन यासिन हुज़ैफ़ा मलिक और अलीशा अब्बासी तीनों बहुत ही प्यारे अंदाज़ में गुफगू भी करते हैं माशा और जज करेंगे हमारे तीन क़राम तो पहले तशरीफ लाते हैं मोहम्मद बिन यासिन कामयाबी और कामरानी का मम्बा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हयात को अपनी कायनात बनाने में पनप रहा है सदर अली वकार क्योंकि कुदरत के हसीन मनाजिर आबशारों का बहाव सूरज की रोशनी चांद की चाँदनी पत्तों की सरसराहट और सरमस्त हवाएं उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औाफ़ हमीदा को समझाते हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिर्फ मक्की ज़िंदगी नहीं बल्कि मदनी ज़िंदगी भी है जो एक बैन अवी मिशन की दास्तान है जो एक पूरी इस्लामी तहजीब की तमीर का उनवान है जो कुरान के अबदी की तफसीर है। यही वजह है जनाब वाला कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अमल के जरिए पेश की गई तो बहुत से कुफार मक्का अपनी आदात कबीहा को तर्क करके आपके गर्विदा हो गए यही वजह है कि झगड़ालू कहलाने वाले अमन के दाई कहलाने लगे यही वजह है जो एक दूसरे की जान लेने वाले थे अखवा के तले एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए तो आप ही फैसला फरमाइए जनाबे वाला कि किसी एक मोमिन की नजर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अलावा किसी और तहजीब की रोशनी क्यों कर खीरा कर सकती है क्योंकि की मोहम्मद से वफा तोने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं जनाब वाला मदीना में रियासत मदीना क़ायम करने वाले मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मक्का में आठ हिजरी फतेह मक्का के मौके पर ला तसरीबा अली कमुलयम कहकर आम माफी का ऐलान करने वाले भी मेरे रसूल थे गोया के मक्का और मदीना दोनों को नस्बत आप वसल्लम से हुई तो एक मोमिन के दिल में दोनों की अजमत नक्श कर गई और आज यही इस मौजू का मतलब है कि है अगर मेरे दिल में काबा तो मेरी नज़र में मदीना है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फराम की है इश्तराकीत के कड़वे तरियाक से लेकर सरमादारीत के सयाह कोखले मीनारों तक जो आज तक जो अमल जो निज़ाम जो दस्तूर राइज है वो इसी हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निज़ाम है जिसको अल्लाह तबारक तआला ने लकद लकुम फी रसूल उसव हसना कहकर यह फरमा दिया कि तुम्हारे लिए कामयाबी और कामरानी का मंबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को अपनी कायन बनाने में मुजमर है जरूरत अमल पैरा होने की है क्योंकि लिखे लिखते भी जुल्फे खम बखम के लिए समंदरों को ज़रूरत है ऐसे कलम के लिए लफ्जों में बयाँ वसफे पैम्बर नहीं होता कूजे में कभी बंद समर नहीं होता शुक्रिया बहुत खूब माशा मोहम्मद यासिन शुक्रिया आपका अब तशीफ लाते हैं हुजैफा मलिक काबा है मेरे दिल में मदीना है नजर में इजाजत इजाजतदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बलन हैं ज़ात खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद जनाबे वाला काबा अल्लाह की जमी है अल्लाह का वह मुकदस घर है जिसकी हरमत जिसकी अजमत जिसकी इज्जत जिसकी हिफाजत मोमिन की जाँ भी और ईमान भी है और जिसकी बदौलत ये ईमान मिला वो साहिब फुरका मदीने में है इसीलिए काबा है मेरे दिल में मदीना है नज़र में जनाबे वाला आपकी आमद से कबल ना सिर्फ काबे में 360 सौ बुत रखे हुए थे ना सिर्फ अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत की जाती थी के उतर कर हीरा से सोए को माया एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया वो जिसके नाम से दाऊद ने नगमा सराई की वो जिसकी याद में सुलेमान ने गदाई की दिले में अरमा रह गए जिसकी जियारत के लब हिसाब पे आए जिसकी शान रहमत के जनाबे वाला हमारे नबी की आमद का ही करशमा था कि खूं के प्यासे बाहम शक्कर हो गए बुध परस्ती छोड़कर बुध शिकन बन गए कातिल वैशी जो थे अमन के मिसाली पैंबर बन गए गुलामी की जंजीरों से इंसानों को रिहाई मिली बिन तवा को पजेराई कमजोरों को तवानाई मिली के उतर कर हीरा से सोए कौम आयाक रबिस रब लजी खलक का पैगाम साथ लाया जनाबे वाला हमारे नबी की अजमत तो सरापा रहमत ही रहमत करम ही करम खैर ही खैर है आपका वजूद भी अथर आपका किरदार भी गुफ्तार भी इकरार भी इनकार भी अथर आपकी शान आन बान अथर बिलाशुबा जो दामन दबी से वाबस्ता हो उसे न डर तिर खंजर कर रहा न मालो जर कर रहा और जिसने सुना ये जिन खुदा का अतिल्लाह वतिरसूल हज़ार जुल सहकर भी दामन मुस्तफ़ा न छोड़ा क्योंकि काबा है मेरे दिल में मदीना है नज़र में आप सबकी समातन में पेश शुक्रिया बहुत खूब अब तशीफ लाती हैं अलिशबा अब्बासी काबा है मेरे दिल में मदीना है नज़र में मकाम व मरतबा नस्बत से अता होता है सदर अली वक़ार और जब यह नस्बत मदीना को मेरे आका साकी कोसर शाफ महशर हज़रत महम्मद सल्ला वसल्लम को हासिल हो जाए तो उनकी असमत से हर एक मोमिन के दिल पर नक्श हो जाती है और जब यही नस्बत किसी बशर को मेरे आकाश से हासिल हो जाए उसकी तो आंखों को कोई और तहजीब की रोशनी किस तरह खीरा कर सकती है जिंदा होने वाली बेटी इज्जत पर हुई। गुलाम सलूके से आजाद कर, दर्ज़े पर हुई, होकर पना मिली और रूमो फार जैसी अजीम सल्तनतों का गुरूर खाक में मिला और मजलूम और फाते के फाते बने फिर वक्त बदला जमाना बदला गोरे और काले बरह दस्तों गरेबा हुए लेकिन कुर्बान जाइए उस रहमत आलम पर के जिसने तकवा को मैार करार देकर चौदह सदियां पहले इसका हल बता दिया दुनिया गुरबत की लपेट में हुई मैशियत को बहरान हुआ अल इक्तसादुन नफ़कती निसफ नमयशा कहकर इसका हल बता दिया लेकिन सदर वकार इश्तराकियत के इश्तराकियत के कड़वे त्रयाग से लेकर सरमायादारीत के खोखले मीनारों का जो निज़ाम जो दस्तूर अमल काबिल है वह उसीमत आलम का दिया हुआ निज़ाम है कि काबा है मेरे दिल में नजर में मदीना है कि अब कौन सी रौनक की कमी है मेरे दिल में इस दर पर दुआओं की जरूरत नहीं पड़ती अगर थोड़ा सा सलीका हो दीद में अगर थोड़ा सा सलीका हो दीद में आपकी समातों का बेहद शुक्रिया बहुत खूब माशा बहुत खूब हमारे तीनों मोज़ज मकर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में फ़न खिताबत के जौहर दिखाए मौजू था हमारा आज का काबा है मेरे दिल में मदीना है नजर में फैसला करेंगे हमारे तीनों मोज़लमा कराम जजेस भी हैं तीनों और हमारे मेहमाना निगरामी भी हैं तो मुफ्ती ज़रा बताइए कैसा मुकाबला रहा आज माशाल्लाह देखें तल्फ़ की अगलात तो तीनों में पाई गई कहीं ना कहीं ठीक है खैर और ख़ैर का फर्क, जो है मतलब ये अवला और ओला का फ़र्क़ यानी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो तल्फ़ के अतबार से ज़र मुकाबले में जब आप आते हैं तो फिर आपको भरपूर तैयारी के साथ आना चाहिए हाँ दूसरी एक कमी ये मासूस जो हमारे आखिर व मुकद्रेन थे उन्होंने वक्त से पहले ख़त्म कर दिया हाँ तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है आपकी कि वक्त से पहले आपने अपनी गुफ्तू को ख़त्म कर दिया हालांकि वक्त अभी आपके पास मौजूद था और तीसरी जो मुझे कमी नज़र आई ना कि जो मिस्रा था उसके मुताबिक कॉन्टेंट में कहीं ना कहीं कमी नजर आई हाँ यानी सीरत रसूल जो है मक्की ज़िंदगी के अतबार से उसको भी देखना था मदनी ज़िंदगी के अतबार से भी देखना था तो इस से कॉन्टेंट में कमी नज़र आई यानी कुछ तो हमारे जो मुकर्रीन है वो चले गए सिर्फ मक्की ज़िंदगी के अतबार से उसूल पर मीशत पे रियासत पे इन चीज़ों पर चले गए जो मक्की ज़िंदगी के ख़ास उसलूब थे या मदनी ज़िंदगी के ख़ास पहलू थे उनको फोकस करते तो बहुत अच्छा मुकाबला हो सकता था तो बहरहाल जो पहले हैं उन्होंने अपने वक्त के मुकम्मल किया है उन्होंने बाकी दोनों वक्त के अंदर ख़त्म किया है आपके हिसाब से पहले नंबर पर कौन है वही पहले है। जो पहला है वही पहला वो है मतलब। यानी आपकी ख्यास है मोहम्मद बिन यासन जी कामयाब करार जी हजर आपकी नज़र में जी मुफ्ती साहब से मुकम्मल इतफ़ा करते हुए तीनों के कॉन्टेंट को देखा जाए तो कॉन्टेंट के एतबार से जो पहली तकरीर है मोहम्मद यासिन की तो वो मुदल भी थी मतवाजन भी थी और उसका मवाद जो है दोनों तक से ज़्यादा बेहतर तो मेरे भी वो पहले नंबर पर ठीक है मदन रजा साहब अच्छा मैं बस चंद चीज़ों की निशानदेही कर दूँ उसमें मोहम्मद बिन यासीन थे उन्होंने आयत जो है वो लगत काना लकूम फिर रसूल उस वतुन हँसाना है वो सुय हंसना नहीं है तो आयत मुकदसा फिर हुफ़ा ने सुयह कौम आया तो वह सुयह कौम आया इसको थोड़ा दुरुस्त कर लें फिर अलिशबा ने जो है वो ये पढ़ा था रहमत आलिम तो रहमत आलिम नहीं है रहमत आलम है बाकी कंटेंट का तो जैसा जिक्र कर दिया वो अपनी कमी अपनी जगह पर वन है। कौन है फिर चूँकि वक्त पर ख़त्म करने की वजह से मैं ये कहूँगा कि तीनों बराबर हो सकते थे लेकिन वक्त जो मुकम्मल पूरा कम्प्लीट किया ना वो मोहम्मद बिन यासिन ने किया था तो इस से वो तो आज खूबसूरत मुकाबला हुआ आप तीनों का शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए आपके लिए स्वादत है और जीतना सबने है जो यहाँ पर आता है क्योंकि आगे आपका सफ़र बहुत लंबा है और सदत इसलिए है कि सीरत मुस्तफ़ा सल वसलम को आपने बयान किया रमत आलमिन हमारे ट्रांसमिशन में आप आए इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म परमाए कराम के सामने पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया आपको देख रही है लेकिन चूँकि दुनियावी एतबार से हमें ग्रेड्स देने हैं तो मोहम्मद बिन यासिन आप कामयाब करार पाए हैं आपके लिए भी गफ्ट हैं आप दोनों के लिए भी गिफ्ट्स हैं क्राउन फूड्स ने आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं वन एप्पल ने आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर ने आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं मतलब नाज़ीन चलते हैं ब्रेक की जाने ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात मौजू पर गुफ्तगू होगी और कलाम भी सुनेंगे शामदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं आप देख रहे हैं पी टी वी से रबी अलवल शरीफ़ की खसूसी नशरियात रहमतमीन और आज का हमारा मौजू है सरकार सल वसम की तालीमत और औरत के हकूक़ अच्छा मुफ्ती साहब ज़रा ये बताइए कि अब जब इस दौर में हम किसी खातून को ये समझाने की कोशिश करें कि तुम जिस हकूक़ की बात कर रही हो उसका इदराक, उसका ऐलान उसके बारे में हिदायत उसके बारे में हुकुम उसके बारे में लाइन ऑफ एक्शन सरकार आज से कम वेष चौदह सौ साल पहले दे चुके हैं तो क्या क्या मिसालें हम उनके सामने रखेंगे बिस्मर रहीम, देखिए शबीर भाई हमें ये बात ख़ुद भी समझनी होगी और ख़ातिन इस्लाम को भी समझानी होगी लफ् खुत इस्लाम मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जो भी खातून दामा इस्लाम से वाबस्ता है यकीनन वो इस बात की आगाही रखती है कि अल्लाह तबारक और उसके महबूबा सालाम ने जो अहकाम बयान फरमाए हैं वो औरतों की इज्जत के लिए उनके तहफ़ के लिए ही हैं। यानी इस्लाम नहीं चाहता कि औरत को बांध के चार दीवारी में बंद करके बिठा दिया जाए बल्कि उसकी उसकी इसमत, उसकी पाकिजी उसकी तहारत और जो नस्ल के अतबार से आगे लेकर के चलने का तहारत और पाकिजगी का मामला है वो सारा का सारा इसके सिपुर्द किया गया हाँ इसलिए फरमाया गया ना कि देखें एक मिसाल मैं दे देता हूँ समझाने के लिए कि घर में एक खातून जो है मौजूद हो तबीयत उनकी ख़राब हो खुदा न खासा तो बच्चे कहें कि अम्मी खाना तो वो कह दें बेटा अपने अब्बा को बोलो बाहर से आ लेकर के आ आज, आज, आज मेरी तबियत सही नहीं है या जिस तरह आज हमारे लोड शेडिंग का मामला है गैस की तो भाई रोटी बाहर से लेकर के आ जाओ तो ठीक है आज हम घर का काम नहीं करते या घर में सारा रोटी नहीं बनाते ये खातून ने कह दिया ठीक है मर्द ने कहा ठीक है मैं लेकर आया तो था बाहर से लेकिन अगर यही मर्द सुबह उठे और क्या मेरा काम पे जाने का दिल नहीं चाह रहा मेरा हाँ। कारोबार करने का दिल नहीं चाह रहा तो वो चाहे ना चाहे उसको जाना पड़ेगा क्योंकि उसके सर पर ज़िम्मेदारी बच्चों के नान नफका और इस पूरे घर को ख़ानदान के कफिल होने की है तो लिहाजा ये फ़र्क अगर पेश नज़र रहेगा ना कि जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने मर्दों को दी वो अदा करें जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ने औरतों पर डाली वो अदा करें तो झगड़ा कभी रहेगा ही नहीं लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि ये मेरा हक़ है मुझे दिया जाए ये तुम्हारा हक है तुम्हें दिया जाए हाँ तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ इन चीज़ों को समझना होगा और ख़ास तौर पर जो निकाह के मामला हैं शादी के मामला हैं तो देखिए निकाह बाद में है उससे पहले ये कि जिस खातून से आप निकाह करें किबला डॉक्टर साहब ने जो बात फरमाई कि दीनदारी को तरजीह दो निकाह करने के अहतबार से क्यों आज तो हमारे फ़कत मालदारी है और आप दीनदारी नहीं देनदारी रह गई है हाँ तो देनदारी क्या होगी लड़की की तरफ से जहेज कितना आएगा और लड़का कितना देनदार होगा भाई अब तो ये सारी चीज़ें चल रही है ना तो दीनदारी हट गई एक तरफ देनदारी आ गई इसका नुकसान ये हो रहा है हमने हर चीज़ को इसमें तोड़ना शुरू कर दिया है और मशहूर मिसाल है कि एक औरत अपने बाप की गुर्बत को तो बर्दाश्त कर लेगी मगर शोर की गरीबी को बर्दाश्त नहीं करेगी वजह उसकी क्या है आज हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हमने इन चीज़ों को मैार बना लिया है और ये मैं बात अक्सर समझाने के लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि भाई शादी का मामला ये है निकाह का मामला खासतौर पर यह है कि आपकी नस्ल का तहफु इसमें है जिस औरत से आप निकाह कर रहे हैं उससे अल्लाह ने आपकी नस्ल को आगे चलाना है तो उस वक्त आप ये तरजीह दीजिए कि आप देनदारी को बुनियाद बना रहे हैं या अल्लाह के दीन को बुनियाद बना रहे हैं जब दीन को बुनियाद बनाएंगे तो इनशाला आपकी नस्ल भी दीनदार रहेगी डॉक्टर साहब ये बताइए कि औरत के वो कौन से अहम हकूक़ हैं जो मर्दों पर लाजिम करार दिए गए मतलब इसको हम थोड़ा सा समप करने की तरफ जा रहे हैं तो आसानी से समझ में आ जाए लोगों को कि वो कौन से हकूक़ हैं जो लाजिम है बिस्मिल मैं इशारा क्योंकि कोई ऐसा हक नहीं है औरत का कि जो इस्लाम ने उसे ना दिया हो बह, बहुत तफसील के साथ बहुत सराहत के साथ कुरान करीम में और अहादी सनबी में बयान किया गया है सबसे पहली चीज़ तो इंसान का बुनियादी हक है वो उसके ज़िंदा रहने का हक है इस्लाम से पहले आप तारीख का मताल कर लें तो मालूम होगा कि कोई मजहब कोई तहजीब ऐसी नहीं है कि जिसने औरत को गुनाह का सबब ना करार दिया हो यानी गुनाह का सबब गुनाह की जड़ जो है अच्छा। औरत को करार दिया गया लेकिन इस्लाम जो है उसे दुनिया की बेहतरीन मता करार देता है अहल अरब बाज़ कबाइल ऐसे थे कि बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया करते थे और कुरान ने जिक्र किया कि ऐसी लड़की से जो है बच्ची से पूछा जाएगा व इज़लमा उदा तू भी बिन कुलत के दरियाफ किया जाएगा सवाल किया जाएगा हिसाब लिया जाएगा तो कुरान ने जिंदा रहने का हक़ उन्हें दिया फिर उन्हें इस बात का हक़ दिया कि वो अपनी ज़िंदगी का फैसला ख़ुद कर सकें सही यानी शरीक हयात के इंतब में जिस तरह एक मर्द को हक़ हासिल है उसी तरह से पूरा पूरा हक़ ख़ को भी हासिल है कारोबार ज़िंदगी के हवाले से देखें जिस तरह मर्द को इस बात का हक़ हासिल है कि वो कारोबार कर सकता है मुलाजमत कर सकता है ख़वान को भी इस बात का पूरा हक़ दिया न सिर्फ़ ये बल्कि उसके माल को उसका माल करा दिया ऐसा नहीं है कि वो कमाएगी और और मर्द के निकाह में है तो वो तमाम का तमाम जो है मर्द की मलकियत में जाएगा जो औरत वो हासिल वो करेगी कमाएगी वो उसका अपना माल होगा अच्छा मर्द के माल में औरत का हिस्सा है हाँ लेकिन औरत के माल में मर्द का हिस्सा नहीं क्या बात है तो आप देखें कि औरत को किस तरह दर्जा जो है उसका बुलंद किया गया फिर मियाँ और बीवी के दरमियान जो राज की बात हो ने उसके हवाले से वाज तौर पर कहा अच्छा। तो मर्द को यह हक हासिल नहीं है कि वो लोगों में उसको अफशा कर दे तरह अच्छा। से मर्द की कोई बात है तो औरत को इसका हक हासिल नहीं, नहीं है। तब ये तब कुरान का इस्लाम का नबी रान है तबके खुतन पर कि उन्होंने ऐसा बुलंदोबाल मरतबा अता किया बहुत खूब ज़बरदस्त अच्छा मदरी रजा साहब ये बताइए कि ये जो हसन सलूक को इतनी अहमियत दी सरकार ने, औरतों के साथ हुसने सलूक को इतनी अहमियत दी इसकी हमत क्या होगी क्या मतलब एक तो इस दौर को हम देख रहे हैं मगरब और हमारा एक मुकाबला हो रहा है ये इसमें हमत थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब ये बहस छिड़ेगी तो वहाँ पर इस्लाम ने पहले हीसन सलूक का इतना ज़्यादा जो है इजहार कर दिया या हुक्म दे दिया कि अब औरत जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया ऐसा लगता है कि औरत ज़्यादा उसका पगड़ा ज़्यादा भारी हो गया है लेकिन इसकी हमत ये है कि हमारे इस्लाम का या शरीयत का मिजाज अगर देखा जाए तो हर वो तबका कि जो एक जिहत से तबी एतबार से या किसी और जहत से माली एतबार से वो कमज़ोर हो ना तो इस्लाम ने ताकतवर को यह कहा है कि तुमने इस कमज़ोर का साथ देना है ताकि वो कमज़ोर भी इस निज़ाम ज़िंदगी में अपना हिस्सा मिलाकर माशरे की तरक्की का एक सबब बन सके सही। यतीमों यतीम बज़ाहिर आप देखा जाए एक नाबालिग बच्चा है उसके वालद अगर इंतकाल कर गए तो अब उसकी कफालत कौन करेगा वो ख़ुद तो जाकर कमा नहीं सकता तो शरीय ने हमें हुक्म दिया कि वह अभी इस कमज़ोरी की हालत में है तुम पर लाजिम है कि तुम इसकी कफालत करो हाँ। खातून जो है वो तबीयी एतबार से कमज़ोर होती हैं वो माशरे में बाहर निकल कर उसकी बुराइयों को उस अंदाज से फेस नहीं कर सकती जिस अंदाज से एक मर्द फेस कर सकता है इसीलिए उसको पर्दे का हुक्म देने के साथ साथ मर्दों को इस बात का पाबंद किया कि उनको घर में बैठा कर तुमने खिलाना तुमने उसका लिहाज करना है तो ये हमारी शरीय का मिजाज है अब हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम जैसे आपने जिक्र किया कि हम मग़रब से मुकाबले के चक्कर में लगे हुए तो मगरब जो है वो अपनी अकल की बुनियाद पर हकूक की बात नहीं करते वो बराबरी की बात करते हैं। हाँ हुकूक में हकूक में और बराबरी में बहुत फर्क है हाँ। बराबरी का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मर्द जो है वो अगर एक बोरी दस बोरियाँ उठा सकता है तो औरतें भी दस बोरियां उठा कर दिखाएं फिर मर्द बाहर जाके अगर मजदूरी कर रहा है तो औरतों को भी जाकर बाहर मजदूरी करनी चाहिए उनको भी इसकी इजाजत हो ये बराबरी है अदल ये है कि मर्द वो काम करे जो मर्द की ताकत के मुताबिक है औरत वो काम करे जो औरत की ताकत के मुताबिक है ये अदल है तो इस्लाम जो है वो हुकूक और अदल की बात करता है इस्लाम बराबरी की बात नहीं करता अगर आप अपने आप को मग़रब से कंपेयर करेंगे तो फिर आप जो है वो उसी चक्कर में लगे रहेंगे कि आप झगड़ेंगे फसाद होगा और घर के अंदर वो सुकून बर्बाद देखा जाए साहब तो ये जबान से तो मगरब कहता है कि दोनों बराबर हैं बाकी दिल में और उनके फैसले तो यही बताते हैं कि दोनों को अलग अलग ही जो है वो काउंट कर जैसे मुकाबले होते हैं खेलों के तो औरतों के अलग और मर्दों के अलग ये मगरबी भी करवाता है ना बिल्कुल अगर नहीं है तो औरत की टीम का मर्द की टीम से मुकाबला करवाते हैं लेकिन वो खुद भी जानते हैं कि औरत का मुकाबला औरत से ही होगा मर्दों का मर्दों से होगा फितरत के भी तो कुछ तकाज होता है ना अगर फितरत ये बात तय कर रही है कि मर्दों के अंदर जो है वो क़ुत है और और औरतों के अंदर कुत के एतबार से कमी है तो इस्लाम ने इसी फितरत को सामने रखते हुए हकूक की बात की है आदल की बात की है अगर आप बराबरी की इस एबार से बात करेंगे कि दोनों के हकूक सेम होने चाहिए तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मज़ज़ मेहमाना ने ग्रामी का आप तशीफ लाए बहुत ही सहर हासिल आपने गुफगू फरमाई मौम नाजिन ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें सरकार दोल्ला वल्म की तालिमात और औरतों के हकूक़ पर बहुत ही प्यारी और मालूमी गुफ्तु हुई मरकज़ी ख्याल सेंट्रल आइडिया आज की इस गुफगू का यह है कि आज जदीद दुनिया औरतों के हकूक़ के बारे में ना सिर्फ बहुत गुफ्तु करती है बल्कि इस सिलसिले में इकदाम की भी हामी है लेकिन हम मुसलमान इस बात पर फख्र करते हैं कि जिन हकूक़ की आज जदीद दुनिया बात करती है आप सल्लल्लाहु अलैहि ने 1400 साल पहले वो हुकूक औरतों के लिए मुतन कर दिए इस्लाम ने औरत को बहुत बुलंद मर्तबा अता फ़रमाया मगरिब को फॉलो करने से बेहतर है कि सरत मुस्तफ़ा को फ़ॉलो करें अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए आज के इस प्रोग्राम का अख्तितमाम भी होगा सरकार दो वसम की बारगह में गुल्हय अक़ीदत से पेश करते हैं इर्शाद अंजुम साहब vahava to be